नमस्कार फ्रेंड, दिस इज शेखर और आप देख रहे हैं शेखर म्यूजिक विद गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो मेरा जो आस्टर का फ्लावर्स है उसके बारे में। देखिए कितना बड़ा बड़ा फ्लावर हुआ है। और हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके ज़रिए मेरे चैनल में आने वाले कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एस्टर प्लांट का केयर कैसे लें और इतना बड़ा बड़ा फूल कैसे आपको मिले, उसको प्लांट का कैसे केयर लें उसके बारे में। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एस्टर का प्लांट लगा है और देखिए फूल कितना बड़ा बड़ा हुआ है। मेरे हाथ से आप पता कर सकते हैं, पकड़ा हूँ हाथ के हिसाब से। ये देखिए ये फ्लावर, ये देखिए एक प्लांट में 1 2 3 4 5 6 फूल हुआ है, बड़ा बड़ा फूल भी हुआ है और अभी यहाँ से ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। यहाँ पे होगा और मैं दिखा देता, मेरे पास और कुछ एस्टर प्लांट है। ये देखिए यहाँ पे ये एक है ब्लू का, नेवी ब्लू, और यहाँ पे एक है पिंक जो मैं दिखा रहा था वही वाला, और यहाँ पे शायद ये वाइट का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे क्या ले। तो एस्टर का जो प्लांट है, ये जो प्लांट मैं लगाया था, छोटा छोटा प्लांट लाया था नर्सरी से, वहाँ से लाके लगाया था। लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के बाद ये फ्लावरिंग भी आया है। ये देखिए एक छोटे गमले में, ये है मेरा 10 इंच का गमला। 10 इंच के गमले में भी तीन एस्टर प्लांट लगाए हुए। यहाँ पे भी वही 10 इंच के गमले में 3 एस्टर प्लांट लगाए हुए। ये जो प्लांट है वो ज़्यादा उसका जड़ नहीं होता है तो ज़्यादा फैलता नहीं है, तो आप एक 10 इंच का या 12 इंच का गमले में एक या दो लगा सकते हैं या 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन दो लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। और इसको हमेशा धूप में रखिए, क्योंकि जितना अच्छा धूप इसको मिलेगा ये अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसका फ्लावरिंग भी इतना बहुत ही अच्छा होगा। और पानी हमेशा मैं बोलता हूँ, कोई भी विंटर का फ्लावर है, कोई भी फ्लावर की कोई भी प्लांट है तो पानी देख के दीजिएगा। धूप में क्या, समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण आपका जो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है तो आपको हर दिन देना पड़ता है, लेकिन विंटर में मॉइस्चर जो होता है हवा में मेंटेन रहता है तो इसलिए पानी जल्दी सूखता नहीं, तो आपको हिसाब से देख के पानी दीजिएगा। तो इसको जो फर्टिलाइजर में देता हूँ वो वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, ये सब मिला के महीने में एक बार दे देता हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइजर में भी देता हूँ, जो नीम की खली, बोन मिल, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, ये सब मिला के 2 दिन के लिए भिगा देता हूँ पानी में। उस पानी को 50 ml के हिसाब से पानी मिला के हर गमले में दे देता हूँ। तो इस तरह से ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ किया है देखिए। और कीटनाशक के हिसाब से मैं हमेशा बोल चुका हूँ, मैं कोई भी केमिकल कीटनाशक यूज़ नहीं करता हूँ, जो भी यूज करता हूँ वो ऑर्गेनिक यूज करता हूँ। जैसे नीम की खली, माफ़ी चाहेंगे, जैसे नीम ऑयल को शैम्पू में मिला के इसको स्प्रे कर दीजिए हर प्लांट में, तो कोई भी प्लांट डिजीज़ आपको प्लांट को नहीं लगेगा। तो ये था आपका एस्टर प्लांट के बारे में। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये जो प्लांट है आपका जो डेकोरेशन जो होता है विंटर में उसमें यूज होता है, क्योंकि ये विंटर में होता है तो विंटर में जो डेकोरेशन होता है तो उसमें यूज होता है ये। और ये जो प्लांट है इसको अच्छे से ख्याल लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो प्लांट लगाने के बाद इसका जो सरफेस है यहाँ पे थोड़ा बीच में गुदाई कर दीजिएगा। गुदाई करने से क्या होता है, इसका जो एयर है वो जड़ के अंदर जाता है, तो एयर सर्कुलेशन के कारण आप जड़ प्लांट का जो जड़ है उसको अच्छे से एयर मिलता है, तो ऊपर से वो अच्छे से ग्रोथ करता है। इतना सुंदर कलर है देखिए, ये वाइट है
ये आपका पिंक है और ये पर्पल कलर का है, और यहाँ सबसे बहुत अच्छा प्लांट हुआ ये। यहाँ पर मैं देखिए 3-4 प्लांट लगाया था एक गमले में। एक कॉस्मोस का प्लांट है, ये वाइट वाला कॉस्मोस है, कॉस्मोस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो फ्लावर है कितना बड़ा बड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर प्लांट है, विंटर में लगाई। अब अगर आप गार्डन में नीचे आपका जो ज़मीन होता है तो वहाँ पे अगर अब इसको क्यारी में लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर बॉर्डर के जैसा लगेगा। ये अच्छे से आपको डेकोरेशन वाला लुक भी देगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक को लेकर। थैंक यू।